आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज थी उसको हमने डिस्कस करा, और साथ में ही इस समय देखेंगे तो यूरोप के अंदर जो पावर क्राइसिस, जो एनर्जी क्राइसिस, गैस क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट के जो पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक हैं, वो चाहे टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, या फिर छोटे पैक के स्टॉक हो, जेपी पावर, रिलायंस पावर, सुजलॉन, सभी स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग डे टैंक करते हुए दिखा है। इस समय टेक्निकली देखें तो टाटा पावर में ऑलरेडी 2x 252 का रिजेक्शन दिखा, इस समय अगेन हमने रिजेक्शन देखा, तो थोड़ा बहुत आप एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। 230 से लेकर के 240 तक का प्राइस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका होरिजन मोर देन 6 मंथ है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर चाहें तो 252 के ऊपर के SL को लगा करके एक छोटा टारगेट 235-230 तक के लेवल्स ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा JMD वेंचर। इस स्टॉक में बोनस इश्यू करे गए हैं 1:1, जिसका देखेंगे तो फिक्स डेट 23 सितंबर किया गया है। और पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इस स्टॉक को अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी ब्रदर हैं, या आप जिसको भी जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, उससे श्योरली शेयर करें, क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो बिल्कुल भी सेल्स नहीं के बराबर है, और स्टॉक कंटिन्यूअस देखेंगे तो 4 रुपीज के लोअर प्राइस से 13 के हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। P/74 ROC ROE नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं है, तो ऐसे शेयर को बोनस के ग्रीड में आकर के बाइंग करने से बचें, और जो अपने रिलेटिव और जो आपके शुभचिंतक हैं उनको भी ऐसे शेयरों से दूर रखें।